मेरा नाम है प्रिया मंगलानी और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपके सारे स्कूल के कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। सो बिना किसी रुकावट के चलो शुरू करते हैं। अहोय हो बच्चा लोग। सो आज हम लोग हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 यूरोप एंड इंडिया सीखने वाले हैं। ये चैप्टर बेसिकली एक क्रैश कोर्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री होने वाला है ताकि हम लोग मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर सके। ओके, 14th सेंचुरी यूरोप के हिस्ट्री का सबसे हैपनिंग एज माना जाता है क्योंकि इस एज में बहुत सारी चेंजेस आए उनके सोसाइटी में जिसके वजह से यूरोप एक पावरफुल देश बन गया। ओके, सो इसको हम हिस्ट्री में बोलते हैं रेनेसांस। तो 14th सेंचुरी यूरोप का रेनेसांस पीरियड माना जाता है जहाँ पे सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए। कौन कौन से चेंजेस आए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो सबसे पहला चेंज था लोगों के रिलीजियस व्यूज़ का। उस टाइम के जो लोग थे वो बहुत पुरानी विचारधारा के होते थे जो यूरोपियन सोसाइटी के प्रोग्रेस को तरीके से बढ़ने नहीं देते थे, या फिर जो पंडित थे, प्रीस्ट थे, वो लोग भी लोगों को टोपी पहना देते थे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ रिफॉर्मिस्ट्स आए, यानी कि ऐसे लोग जो चेंज मेकर्स ऑफ सोसाइटी होते हैं। ओके, एंड उन्होंने लोगों के अंदर जागरूकता बनाई, उनके अंदर के जो पुराने विचारधारा है वो उन्होंने चेंज किया। ओके, सो इसके वजह से लोगों के जो रिलीजियस व्यूज़ थे वो भी चेंज हो गए। ओके, एंड ये किसने किया? ये रिफॉर्मिस्ट ने किया, जो चेंज मेकर्स ऑफ दी सोसाइटी थे उन्होंने किया। सो ये हमारा पहला चेंज था। जो सेकेंड चेंज आया यूरोपियन सोसाइटी में वो था चेंजेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट। उस टाइम पे सिर्फ जो किंग्स एंड जो नोबल्स एंड जिनके पास पैसा था उनको ही आर्ट अलाउड था करने को, उनको ही आर्ट को एक्सेस था। बट कुछ ऐसे लोग थे जो रिबेल्स थे, जो इसको प्रोटेस्ट करते थे, एंड कॉमन लोग जैसे कि लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, रफेल, ऐसे लोगों ने फीलिंग्स एंड इमोशंस के थ्रू अपने आर्ट को इंट्रोड्यूस किया सोसाइटी में, हालांकि वो लोग कॉमन लोग थे। लियोनार्डो दा विंची के सबसे दो फेमस पेंटिंग्स हैं मोनालिसा एंड लास्ट सपर। ये आप इंटरनेट में ज़रूर सर्च करना, आपको मोनालिसा का तो पता ही होगा आई एम श्योर। ओके, सो ये सर्च करना। अपने आर्ट के थ्रू एक तरीके से कॉमन पीपल को एक वैल्यू दिया, उनकी इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड स्ट्रगल आर्ट के थ्रू उन्होंने सोसाइटी को इंट्रोड्यूस किया। इसीलिए उनके जो पेंटिंग्स है वो आज तक हमारे साथ रिलेट करते हैं क्योंकि हम भी कॉमन पीपल की तरह ही स्ट्रगल करते हैं। सो वो जो किंग्स एंड नोबल्स का जो एक्सेस था आर्ट के ऊपर वो उन्होंने डिफाई किया, वो उन्होंने रिबेल किया उसके अगेंस्ट। ओके, नेक्स्ट है चेंजेस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब क्या होता है? नॉलेज। एंड नॉलेज किसके अंदर होता है? बुक्स। सो उस टाइम पे एक ही बुक था कॉमन पीपल को एक्सेसिबल, जो था बाइबल। बाकी जितने भी बुक्स थे वो सिर्फ किंग्स एंड नोबल्स, उनको ही अलाउड था। तो उसके अगेंस्ट रिबेल करने के लिए जोहान्स गटेनबर्ग करके एक इंसान थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की डिस्कवरी की। सो बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी लोगों को भी पेपर का एक्सेस हुआ एंड उन्होंने भी अपने लिए बुक्स बनाया एंड उनको नॉलेज मिला एंड वो लोग के अंदर अवेयरनेस बढ़ने लगी। ओके, जागरूक होने लगे वो लोग। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। ओके, सो अभी इनके सोसाइटी में तो बहुत सारी चेंजेस आ गए, लोग अवेयर हो गए, लोग के अंदर नॉलेज आ गया। सो एकदम जाहिर सी बात है अभी वो लोग बाहर डिस्कवर करेंगे बाहर क्या है, हमारे आजू बाजू में कौन से न्यू कंट्रीज़ है, कौन से न्यू देश है, वो उन्होंने डिस्कवर किया। उसमें से एक देश था एशिया, इंडिया। वो उनको जानना था, उन लोगों को जानना था कि इंडिया किधर है क्योंकि उन्होंने बहुत सुना था इंडिया के बारे में, तो उधर वो लोग का ध्यान चला गया। बट एक प्रॉब्लम था, ओनली लैंड रूट, एक ही रास्ता था जो यूरोप एंड एशिया को जॉइन करता था, एंड वो रूट जो था, वो जो रास्ता था, वो टर्किश लोगों ने ब्लॉक करके रखा था, उस पर कब्ज़ा करके रखा था। तो यूरोपियन जो लोग थे उनको इंडिया में पहुंचने के लिए एक बाधा पड़ गई।
ओके सो उन लोग का जो लैंड था, जो लैंड रूट था जिसके थ्रू वो लोग एशिया में पहुंच सकते थे, उस लैंड का नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल. ओके आज के टाइम पे उसको इस्तांबुल बोला जाता है. ओके एंड इसके ऊपर ये इस तरफ हम लोग यूरोप को लिख देंगे और उस तरफ हम लोग एशिया को लिख देंगे. एंड उसके ऊपर किसने कब्ज़ा करके रखा था, उसके ऊपर ऑटोमन टर्क्स, टर्किश लोगों ने कब्ज़ा करके रखा था. ओके अभी वो लोग क्या करेंगे अगर लैंड रूट अवेलेबल नहीं है, तो अब वो लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल वो लोग वाटर से आएंगे एशिया में. बट किसी ने भी आज तक एशिया तक वाटर रूट के थ्रू कोई भी नहीं गया था. ओके सो ये एक बहुत ही बड़ा ये था उन लोग के लिए, एक चैलेंज था, क्योंकि उन लोग को एक न्यू रूट वाटर के थ्रू फाइंड आउट करना था एशिया में पहुंचने के लिए. तो बहुत सारे ऐसे फेमस एंड करेजियस सेलर्स आगे आए जिन्होंने ये वाटर रूट यूरोप एंड एशिया के बीच में डिस्कवर किया. एंड ये रूट आगे चल के बहुत काम आया ट्रेडिंग के लिए यूरोप एंड एशिया के बीच में. सो ऐसे तीन सेलर्स आए जिनको इंडिया डिस्कवर करना था, बट इन तीनों में से एक ही सेलर कामयाब हुआ. तो फर्स्ट सेलर था बी डियास करके, 1487 में वो निकला था. अभी ये बंदा सक्सेसफुल नहीं हुआ इंडिया को ढूंढने में, लेकिन इसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी किया जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप. ये जो था ये ऐसा रूट था जिसके थ्रू ही बाद में चल के एक सेलर थे जिनको इंडिया जो है वो डिस्कवर हुआ. ओके सो केप ऑफ गुड होप एक्चुअली किधर है, वो टिप ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है. ओके एंड इसी के थ्रू, यही रूट के थ्रू आगे अगर वो जाता तो उसको इंडिया भी मिल जाता. तो ये उसे डिस्कवर किया, बट इंडिया नहीं डिस्कवर किया. सेकेंड सेलर था क्रिस्टोफर कोलंबस. अब ये बंदा एक्चुअली निकला था इंडिया को ढूंढने को, बट ये एकदम अलग ही रूट में चला गया. ओके ऐसे समझ लो ये किधर घूम गया, बट इसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंड ढूंढा जिसका नाम था अमेरिका. ओके अमेरिका को माना जाता है पूरे वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट लैंड, क्योंकि ये एकदम न्यू लैंड था जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया. एंड आप जानते ही हो कि ये कितना इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है. ओके सो उन्होंने इंडिया तो डिस्कवर नहीं किया, बट क्योंकि वो घूम गए उनको अमेरिका मिल गया. ओके जो थर्ड सेलर थे, अभी वो पहुँचे कैसे एग्जैक्टली, उन्होंने ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका पे लैंड किया. ओके तो उनको न्यू लैंड मिला. अभी जो थर्ड सेलर थे, थर्ड सेलर का नाम था वास्को द गामा. ठीक है अब यही एक बंदा था जिसने एक्चुअली इंडिया को डिस्कवर किया. ओके सो ये निकला था इंडिया को ही डिस्कवर करने को और इसने इंडिया ही डिस्कवर किया. सो वास्को द गामा ये पोर्टुगीज सेलर था. ओके एंड ये 1498 में निकला था, और सॉरी 1498 में पहुंचा था इंडिया में. ही वॉज सक्सेसफुल इन डिस्कवरिंग इंडिया. एंड उसने, उसका लैंडिंग किधर हुआ था, उसने कैलीकट में लैंडिंग किया था, कलकत्ता. ठीक है कलकत्ता में उसने लैंडिंग किया था अपने बोट का. एंड उसको एक रूट फाइंड आउट उसने कर दिया कि इंडिया में कैसे हम पहुंच सकते हैं, जो मैंने जैसे बोला आज आगे चल के बहुत काम आया. अभी जो नेक्स्ट है वो है ब्रेकिंग ऑफ साइंटिफिक बिलीव्स. अभी ये जो ज्योग्राफिकल डिस्कवर्स थे, उन्होंने सिर्फ लैंड डिस्कवर नहीं किया, उसके साथ ही साथ उन्होंने स्काई, स्टार्स, प्लैनेट्स, अर्थ, ये सब का भी बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्वेशन किया. तो उन्होंने वापस से अपने लैंड में आके बहुत सारे बिलीव्स जो है लोगों के, वो उन्होंने करेक्ट किए. जैसे कि लोग मानते थे कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड नहीं रिवॉल्व करता है, सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. तो ये उन्होंने ब्रेक किया बिलीफ. एंड स्टार्स एंड प्लैनेट्स वो कैसे मूव करते हैं, कैसा उनका मूवमेंट है, वो बिलीफ भी उन्होंने लोगों का ब्रेक किया, उनको एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली क्या है. ठीक है एंड लोग ये भी मानते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, बट उन्होंने ये बोला कि, उन्होंने डिनाई किया ये और बोला कि अर्थ क्या है, राउंड है. सो बिकॉज ऑफ दीज ज्योग्राफिकल डिस्कवरर्स, हमारा जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, यूरोपियन का साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, वो और भी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया, साइंस में प्रोग्रेस हुआ.
ठीक है। अभी नेक्स्ट जो लास्ट है वो है रेवोल्यूशन इन पॉलिटिकल सिस्टम, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लोगों में इतने चेंजेस आने लगे, इसके वजह से लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ पावर आने लगा एंड उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग जो किंग्स एंड नोबल्स जो हमारे ऊपर अब तक कब्जा करके रखे, हमारे ऊपर पावर करके रखे, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो क्योंकि उनके अंदर अवेकनिंग आ गया, उन्होंने क्या किया, एक रेवोल्यूशन किया। ओके, रेवोल्यूशन का मतलब है एक नया चेंज लाया सिस्टम में, उन्होंने रिवोल्ट किया अपने किंग्स एंड नोबल्स के अगेंस्ट एंड उनको बोला कि हम लोग को तुम्हारा पावर अभी नहीं चाहिए। सो इसी के थ्रू जो किंग्स एंड नोबल्स थे उनका पावर जो है, फुल पावर जो है वो एंड हो गया, उनको सिर्फ मिनिमम पावर दिया गया। ठीक है, सो पहला जो चेंज आया वो क्या था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया, यानी कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो गया कि पावर जो है वो एक्चुअल पावर जो है वो कॉमन पीपल के अंदर होएगा। ठीक है, किंग्स एंड नोबल्स के ऊपर पावर नहीं होएगा, हैंड्स ऑफ कॉमन पीपल जो है पावर रहने वाला है। सेकेंड जो है, जो यूरोपियन देश है वो आत्मनिर्भर बन गया एक तरीके से, यानी कि उन्होंने अपना ऐसा गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया, ऐसा पार्लियामेंट फॉर्म कर दिया जो इंडिपेंडेंट था, जो सोवेरेन था। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये हमारा जो गवर्नमेंट है वो फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल रहने वाला है। सो ये जो है बिल ऑफ राइट्स 1689 के तहत माना गया कि अभी जो पावर है वो सिर्फ लोगों के हाथ में होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक के थ्रू आपको यूरोप का ट्रू कलर्स जो है वो आप जानने लगोगे। अभी हम लोग को इतना तो पता है कि यूरोप का बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था, यूरोप खुश था। ठीक है, उसका सब किंग्स नोबल सब चला गया, पावर अभी सब पावर लोगों के ऊपर था, तो यूरोप का देश खुशहाल था। बट यूरोप को इसमें शांति नहीं थी, यूरोप को सब जगह उंगली करनी रहती है। ठीक है, सो उसने क्या किया, वो अमेरिका के ऊपर अपना कब्जा करने के लिए उसने अपना ध्यान लगा दिया। तो यूरोप को हम बोल सकते हैं कि यूरोप क्या करता है, सब जगह उंगली करता है एंड इसी के वजह से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो हमारे हिस्ट्री में आया। ठीक है, अभी हम लिख सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो है, क्योंकि उनके इधर सब ठीक ठाक चल रहा था, उन लोगों का सिस्टम सब सही लग रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अपना ध्यान जो है अमेरिका के ऊपर लगाया। ठीक है, उनको ऐसे लगता था कि सारे जो देश के कंट्रीज है हम उनके ऊपर भी कब्जा कर सकते और हम उनके थ्रू भी हमारा राज कर सकते। सो द इम्पेरियलिस्ट का मतलब होता है डोमिनेटिंग यूरोपियन कंट्रीज टुक कंट्रोल ऑफ अमेरिका एंड एस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनीज। अभी सारे यूरोपियन कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, उनमें से एक था इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड ने करीबन 13 कॉलोनीज अमेरिका में एस्टेब्लिश किए। आप इमेजिन कर सकते हो, कोई दूसरे देश में जाके उन्होंने 13 कॉलोनीज के ऊपर अपना कब्जा किया। ठीक है, तो वो फिर भी ठीक था क्योंकि अमेरिकन लोग थे, नए लोग थे, उनको कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। तो पहले तो इंग्लैंड का नॉमिनल डोमिनेशन ही रहता था, छोटा मोटा वो डोमिनेट करते थे उनके ऊपर, बट बाद में वो लोग ने अपना डोमिनेशन और भी इंक्रीज कर दिया। वो लोग ऐसे समझते थे ये जो अमेरिकन से हमारे प्रॉपर्टी है एंड वो उनके ऊपर टैक्स लगाने लगे, उनसे और भी ज़्यादा पैसा लूटने लगे। ठीक है, और ये जो है ये अमेरिकन्स को मान्य नहीं था। ठीक है, उनको लगा कि कोई एक दूसरा फॉरेनर कंट्री हमारे ऊपर आके और हमसे ही टैक्स कैसे ले सकता है, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया एंड ये इसका फेमस इंसिडेंट है बॉस्टन टी पार्टी का। ठीक है, एंड यही इसके वजह से ही अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उसका ये हुआ, जन्म हुआ। सो चलो देखते कि बॉस्टन टी पार्टी है क्या और इसमें हुआ क्या। सो बेसिकली क्या हुआ, जो जो यूरोपियंस रहते थे वो लोग अपने शिप में ना बहुत सारे टी बॉक्सेस जो है उन्होंने लोड किया था, अमेरिकन्स का टी बॉक्सेस था वो लोड किया था एंड वही टी बॉक्सेस वो लोग अपने देश में लेके जाने वाले थे। तो उस बोट पे ना अमेरिकन्स भी डिसगाइज करके, यूरोपियन सोल्जर्स जैसे डिसगाइज करके वो लोग भी उस बोट पे चढ़ गए और उन्होंने क्या किया, जितने भी टी के बॉक्सेस थे उन्होंने वो सी में फेंका।
ठीक है, तो पहले तो वो लोग ऐसे ही बॉक्स फेंक रहे थे, बट धीरे धीरे बॉक्स खोल के वो लोग पूरा का पूरा टी बैग फेंकने लगे वाटर पे। इसीलिए इसको क्या माना जाता है, बॉस्टन टी पार्टी। सो इसके वजह से यूरोपियंस तो बहुत गुस्से हो गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रिवोल्ट किया उसके अगेंस्ट, एंड देन उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, क्लासिक यूरोप मूव है ये। एंड उसके वजह से अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने बोला ठीक है हम भी तुमसे लड़ेंगे, एंड अमेरिका जीत गया अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, इसी इवेंट को बोला जाता है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने यूरोपियन को थोड़ा भी अपने ऊपर राज नहीं करने लगा करने दिया, एंड उनके अगेंस्ट वो लोग जीत गए। अभी इंडिपेंडेंस होने के बाद उन्होंने बहुत सारी चेंजेस लाए अपने कंट्री के ऊपर। उन्होंने डिसाइड किया अभी टाइम आ गया हम हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाएं। सो सबसे पहले तो उन्होंने अपने कंट्री का नेम चेंज कर दिया, अमेरिका से उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रख दिया नाम। ठीक है, सेकेंडली एक गवर्नमेंट सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया जिसको बोला जाता है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ लोगों के लिए चलता है, लोगों के लिए चलता है, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, लोगों के लिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। एंड थर्ड जो था उनके प्रेजिडेंट आए जो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। अभी नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, उन्होंने क्या रिवोल्ट किया, किसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया, तो उनके भी कंट्री में एक राजा थे। ठीक है, उनका नाम था किंग लुइस 16। अब ये राजा भी ना लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, बहुत तंग करते थे। ही वॉज एन अनजस्ट रूलर 1789 पे। सो वो बेसिकली क्या करते थे, उनको सिर्फ मज़ा करने को इंटरेस्ट था, उनको हंटिंग करने में इंटरेस्ट था, लाइफ मज़ा करने को इंटरेस्ट था, लोगों पे ध्यान नहीं देते थे। एंड सबसे मेन जो उनका प्रॉब्लम था वो अपने पावर को मिसयूज़ करते थे, यानी वो लोगों को बिना कोई वजह के, बिना कोई प्रूफ के जेल में डाल देते थे। ठीक है, सो ये जो था ये एक बहुत बड़ा साइन ऑफ इनजस्टिस था। कॉमन लोगों को बिल्कुल भाव नहीं दिया जाता था, अगर किंग को लगा कि इसको जेल में डाल देना चाहिए तो इसको जेल में डाल देते थे। उसके लिए कोई ट्रायल नहीं होता था, उसको कॉमन जो लोग थे उनको खुद को जस्टिफाई करने को एक चांस तक नहीं मिलता था। दिस वॉज अ वेरी बिग साइन ऑफ इनजस्टिस फॉर दोज पीपल। सो जो फ्रेंच पीपल थे वो क्या हो गए, फिर से वो लोग भी एंग्री हो गए, एंग्री फ्रेंच पीपल। एंड उसके वजह से उन्होंने क्या किया, एक रेवोल्यूशन किया, एक रिवोल्ट किया, एक नया चेंज लाया। उन्होंने क्या किया, बैस्टिल प्रिजन करके एक जेल था पेरिस में, और ये जो जेल था ये एक साइन ऑफ इनजस्टिस था उनके लोगों के लिए। ये जेल में सब लोगों को ऐसे ही बस डाल दिया जाता था बिना कोई ट्रायल के। तो उन्होंने उस जेल पे अटैक किया, दे स्टॉर्म्ड दैट प्रिजन ऑन 14th July 1789। ओके, बिकॉज इट वॉज अ सिंबल ऑफ इनजस्टिस। एंड ये जो इवेंट है इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला जाता है। एंड इसके वजह से किंग लुइस 16 जो थे उनको पावर से निकाल दिया गया। सो पोस्ट रेवोल्यूशन चेंजेस क्या क्या थे, किंग को निकाल दिया, मोनार्की सिस्टम एंड हो गया। ठीक है, जो राजा रानी सिस्टम है एंड हो गया। सेकंड, रिपब्लिक फॉर्म हो गया, यानी इसमें भी पीपल जो है वही पावर में रहेंगे। एंड फ्रेंच ने सबसे तीन इंपॉर्टेंट वैल्यूज पूरे वर्ल्ड को दिए जो थे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ये आज तक हमारे प्रीएम्बल में लिखा जाता है। सो हमने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों लर्न किया, क्योंकि मॉडर्न इंडिया जब स्ट्रगल कर रहा था उन्होंने भी अमेरिकन्स एंड फ्रेंच से ही इंस्पिरेशन लेके, उनके टैक्टिक्स लेके अपने कंट्री में स्ट्रगल किया, एंड वो लोग विक्टोरियसली ब्रिटिशर्स को अपने कंट्री से भी निकाल पाए। इसीलिए हमने ये सीखा। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में आपको ये काम आएगा। आप इंटरनेट में बैस्टिल प्रिजन एंड अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का बॉस्टन टी पार्टी का पिक्चर ज़रूर देख लेना। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। हे, सो आपको आज का लेक्चर कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किसके लिए रुके हो, लाइक कर दो। एंड इस वीडियो को जितने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो उतने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि उनकी भी दिमाग की बत्ती आपके जैसे खुल जाए। लास्टली, अगर ये वीडियो आपको किसी भी वे में हेल्प किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इससे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।